अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो, क्या है इशिका? मैंने कह दिया ना 45% तो क्या, मैं एक शेयर भी प्रियंका को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब इसके लिए फोन करना मुझे बंद कर दो। लेकिन बबीता जी, मैंने तो आपको उसके लिए फोन किया ही नहीं है। इनफैक्ट मैंने आपसे ये पूछने के लिए फोन किया है कि सोसाइटी के कम्युनिटी हॉल में आज कौन सी फिल्म दिखाने वाले। What? हाँ, मतलब सोसाइटी के चैट ऐप ग्रुप पे अमृता की रिक्वेस्ट आई थी। सबको बुलाया है, सब परिवार समेत फैमिली फिल्म देखने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लेती हूँ। क्या बकवास है? बकवास नहीं, बकवास, सॉरी, अब समझी। आपको अब तक किसी ने बताया नहीं होगा ना? कैसी है ये अमृता? कल तक तो कह रही थी कि ये मेरा परिवार है, मैं इनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो मुझे लगा कि एनीवे, शायद अब तक अमृता आपको अपनी फैमिली नहीं मान रही होगी ना। अब आई एम सो सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था बबीता जी। जस्ट शट अप इशिका। गुड जॉब इशिका, अब होगा दूसरा बार। इशिका, बबीता जी के उन किटी पार्टी वाले फ्रेंड्स को कॉल लगाओ जल्दी। किटी पार्टी? हाँ, क्योंकि वही तो उन्हें मजबूर करेंगे मेरे पास आके मुझे 45% शेयर्स देने के लिए, और वो आज ही होगा। नहीं रेजान, मतलब वैंडी दीदी ना बहुत अच्छे इंसान है, एक बार बोलू ना तो यू दे देंगी पैसा। नहीं, लेकिन ये पैसा वैसा ना रिश्तों में कड़वाट लेके आता है और मुझे पसंद नहीं। एक बार तो वो मुझे दुबई बुला रही थी, टिकट भी निकाल रही थी, लेकिन मैंने ही प्यार से मना कर दिया। नहीं, ये पैसे वैसे ना रिश्ते खराब कर देते। ठीक है, समझ गई तेरी बात है, मत मांगना उससे। लेकिन अमू बोल रही थी ना कि आजकल वो बैंक वो औरतों को नया व्यापार शुरू करने के लिए कर्जा देता है ना। हाँ। और ब्याज के साथ किस्त भी लेता है, तो कितना होगा वो? ना आसान नहीं है। देखा, इसी टेडी बियर के पीछे मिली ना तुझे शरण। ज्यादा स्टाइल मत मार। हैं? सुन मेरी बात। पवानी आंटी की हेल्प करनी है, वो नवरात्रि आ रही है ना, उसका चैरिटी इवेंट है, ये पूरा सेटअप करना। अब करे, हजार स्टेप्स हुए हैं, चल 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 चल। आहा, अरे वाह, हाय हाय, ये अंजलि और निम्मी कितने भूखे लग रहे, जिस तरह से ये खाने को घूर रहे हमारे तो पेट में दर्द ही हो जाएगा। इनकी मदद कर देते हैं, इन्हें कुछ खाने को दे देते। अरे बेचारों के पेट में चूहे दौड़ेंगे तो दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं दौड़ेगा ना। बात तो सही है, सॉरी, चलो नाश्ता करो, सब बैठ के सोचते हैं कुछ। खा लो है। दीपिका, आइडिया मांगा है, तुम तो हार्ट अटैक दे रही हो। सॉरी सॉरी, मैं क्या सोच रही थी, हमारे विराट को तो लंदन बहुत पसंद है, तो हम उसे वहां ले जाते हैं। बैड आइडिया, बैड आइडिया। मैं क्या सोच रही थी, हम ना भाई का जिम रिनोवेट करते थे, वैसे भी वो दिन के 4 घंटे जिम में रहते तो अच्छा लगेगा उन्हें। आइडिया अच्छा है निमी, लेकिन कुछ और करते हैं ना, कुछ इमोशनल, कुछ पर्सनल, जिससे मैं अंदर से खुशी हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स, उस वाले चलते। अरे नहीं, मूवी शो ही चलते, विराट को सबके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है सर। ऐसा करते ना, बिल्डिंग कंपाउंड में वो प्रोजेक्टर की स्क्रीन होती ना, वो लगवा के सब एक साथ एक फैमिली फिल्म देखते हैं।
और समोसा पॉपकॉर्न सब मंगवा लेंगे और कोल्ड ड्रिंक भी, उसके बिना तो मजा नहीं आएगा ना। और वड़ा पाव भी प्लीज भाभी। ऑफ कोर्स। और ये धांसू आइडिया देने के लिए सर के लिए 2 एक्स्ट्रा वड़ा पाव। चटनी मार के शिकी है ये जो बंदा भवानी आंटी से मिलने वाला है उनके स्टार्टअप के लोन के लिए, तू जानता है उसे? हाँ। सुना मैंने, प्रोफाइल देखी उसकी। नहीं यार, कुछ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो काम कर, उसको यहाँ बुला, उसका इंटरव्यू लूंगा। पर हाँ, भवानी आंटी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ध्यान रहे उनको सपना। तू टेंशन मत ले भाई, हो जाएगा। तू बुला सकता ना उसे? हाँ बुला, एक काम करता हूँ, बुला लेता हूँ। ठीक है। भवानी आंटी का नवरात्रि पर स्टॉल तो जरूर लगेगा, बस मुझे उन्हें ये यकीन दिलाना है कि ये लोन जेन्युइन है और उसमें उनका कितना फायदा होगा। क्या क्या हुआ? सॉरी सॉरी मॉम, मैं वो काम करने में बिजी थी इसलिए। अरे हुआ क्या, बैंकर कहाँ है? भाई एक्चुअली भाभी ना घर का सामान लेने बाहर गई थी। मैंने बोला बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, पर आपको तो पता है भाभी सुनती नहीं है, वो बाहर गई, सामान ज्यादा था तो गिर गई शायद। तुम दोनों ना एक नंबर के इडियट हो, वो वहाँ पे गिर गई, तुम दोनों यहाँ पे खड़े होकर बातें बना रहे हो। बैंकर की भी क्लास लेनी पड़ेगी, क्या जरूरत थी इतना सारा सामान अकेले उठाने की? तुम दोनों हेल्प नहीं कर सकते थे? कहाँ है वो? कम्युनिटी हॉल, आप वहीं जा रहे हो ना, तो वहीं जाना। जल्दी जाओ। सॉरी आप को लगी तो नहीं? नहीं बेटा, मुझे जाना। दीपिका विराट इतनी हड़बड़ी में कहाँ गया? अमृता की मदद करने वो राशन लेने गई थी, गिर गई ना। हम भी जा रहे हैं। नॉट डन ना दी। अमृता जरा सा सामान लेके गिर क्या गई, विराट तो ऐसे भागा जैसे सर पे आसमान गिर गया, और उसके पीछे ये सब भी भागी। दी मैं क्या सोच रही थी, थोड़ा ब्रेक लेते हैं ना इन साजिशों से। आपके फ्रेंड्स ने किटी पार्टी रखी है। नहीं, मुझे उन औरतों की किटी पार्टी में नहीं जाना है जहां मेरी बेटी की नाराजगी को लेकर मेरा मजाक उड़ाया जाए। उनके साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं उस लड़की के साथ निपटने का कोई और प्लान सोच लूं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।